हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी मैथ्स की बुक से चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हमें उसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं जो आपकी बुक में तो नहीं है पर आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम आरडी शर्मा बुक से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मेरे पास ये थोड़ा पुराना एडिशन है, आप लोग नया एडिशन ले लेंगे और मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर उनके लिखते जाऊंगा। हो सकता है एक दो आगे पीछे हो पेज पे ये क्वेश्चंस, पर आप लोग उनको देख लेंगे और मैच करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को करना है। आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो इसके क्वेश्चन है ना, आइडेंटिटी बेस्ड, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले पेज नंबर 4.2 पे है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है। एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की पावर 4 प्लस 1, और कह रहा है इसको इसका प्रोडक्ट फाइंड करो। हमें इन सब का प्रोडक्ट फाइंड करना है और इसमें हमें क्या लगानी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपको दिख रहा है एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, तो यहाँ देखते हैं हमें आइडेंटिटी का पता चल गया कि यहाँ आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी, ए प्लस बी, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसे नहीं आप डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और उसके आगे आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और उसके आगे लिखा हुआ है आपके एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब फिर से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर मैं एक्स स्क्वायर को ही ए मान लूं और ए वन को बी मान लूं तो फिर से एक ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्म बन जाएगा। तो ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस 1, सॉरी x, हाँ x की पावर 4 माइनस 1 बन जाएगा क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो कि एक x के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर बन जाएगा ये, और x की पावर 4 प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, और ये बन गया x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 प्लस 1, और फिर से देखो एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो एक्स की पावर 4 की पावर 2। ठीक है, माइनस वन, यानी कि ये बन जाएगा एक्स की पावर 8 माइनस 1, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अरे फिर से ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी बन गया, तो भाई ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और पावर 4 का स्क्वायर होगा तो मतलब एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, तो पावर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 8 बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, इसमें आपको बस हर बार ए माइनस बी ए प्लस बी लगा के, मतलब पहले इन दोनों का मिलकर बन जाएगा, फिर जो ये प्लस में दिख रहा है ना वही माइनस में बनेगा इधर, फिर इन दोनों का फिर से ए माइनस बी ए प्लस बी लग के, फिर जो ये प्लस में दिख रहा है वही माइनस वाला बन जाएगा, और इन दोनों को मतलब जब आप इसमें आइडेंटिटी लगाओगे तो एक्स की पावर 8 माइनस 1 यहां तक पहुंच जाएगा। अगर इसके आगे एक और दे रखा होता एक्स की पावर 8 प्लस 1, तब हम इसके एक और आगे करते, ये बन जाता एक्स की पावर 8 माइनस 1, एक्स की पावर 8 प्लस 1, तो एक्स की पावर 16 माइनस 1 आ जाता, तो ऐसे ही करते करते आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन वो भी ऐसा ही है, उसी का थर्ड पार्ट क्वेश्चन का देखेंगे। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब देखेंगे इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसी का थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमने कर लिया, थर्ड पार्ट भी जो है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बस
अपॉन में इधर माइन, इधर ये बगल में क्या था, एक्स माइनस वन था, इधर क्या करना है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इस वन के अपॉन में एक्स डाल दिया सबके। देखो यहां भी वन अपॉन एक्स है, यहां भी वन अपॉन एक्स है, एक्स स्क्वायर, और यहां वन अपॉन एक्स की पावर फोर है। मतलब बाकी देखना बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल सेम टू सेम लगेगी, यही आइडेंटिटी यहां भी लगेगी। तो आप एज इट इज नोट कर लेना यहाँ पे कि ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए माइनस, एक तरह से ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अप वन का स्क्वायर नहीं, वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, एक्स का स्क्वायर इंटू में वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर है एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर। अब आप देख सकते हैं ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर। तो देखेंगे फिर से ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर को अगर मैं ए मान लूं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं अगर बी मान लूं, तो ये बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी। फिर से आइडेंटिटी यही लगेगी। आइडेंटिटी कभी बार, कभी भी अगर एक ही क्वेश्चन में बहुत बार लग रही हो ना कोई सेम आइडेंटिटी, तो एक ही बार लिख देते हैं, बार बार लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। फिर से ये बनेगा एक्स की पावर टू की पावर टू माइनस वन अपॉन एक्स की पावर टू की पावर टू, ठीक है, वन अपॉन एक्स की पावर टू की पावर टू ऐसे लिख लेना, और ब्रैकेट में कर दिया, और ये बन जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर। अरे ये तो हो गया ना, इधर इन दोनों को जोड़ के ये बना है, मतलब मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर, ये बन जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर। तो आपको पता फिर से ए माइनस बी ए प्लस बी, तो अब बनेगा ये एक्स की पावर फोर की पावर टू माइनस वन की पावर टू, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर एट माइनस वन, और यही वन अपॉन एक्स, सॉरी, वन अपॉन एक्स की पावर फोर की पावर तो ये बन जाएगा वन अपॉन एक्स की पावर एट। तो एक्स की पावर एट माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एट, यही आपका आंसर आएगा, और ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। जल्दी से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ आप लोगों के आर डी शर्मा में, आपके हल्के फुल्के मतलब थोड़े से अलग क्वेश्चन होंगे, जो कि आप हो सकता है अगर एग्जाम में फर्स्ट टाइम देखें तो उसमें जरूर कन्फ्यूज होंगे, या हो सकता है आप गलत करके आएंगे या छोड़ के आएंगे, इसीलिए मैं आपको अभी करा दे रहा हूँ, ताकि एग्जाम में ऐसा कोई चांस ना बने कि आपने कभी ये क्वेश्चन देखे ना हो। तो जल्दी से आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पेज नंबर 4.3, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं, पर मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको बताना है 0.99 का स्क्वायर। अभी तक आपने 99 का स्क्वायर निकाला था, ठीक है, 101 का स्क्वायर निकाला था, जिसमें आप करते हैं 99 के स्क्वायर में क्या करते हैं, 100 माइनस 1 का स्क्वायर, पर यहाँ पे 99 नहीं है, 0.99 है, यानी 1 से कम है, ठीक है, और 1 से कितना कम है, 1 से 0.01 कम है। अब कई बच्चों को ना डेसिमल में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को डेसिमल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बच्चों से पूछा जाए 1 में से 0. मतलब ये 0.99 को क्या लिखेंगे, तो कई बच्चे लिख देते हैं 1 माइनस 0.1। अरे 0.1 नहीं है, 0.1 तब होता जब 1 में से आप 0.9, ये इसकी अगर ये 0.9 दिया होता ना, तब 1 माइनस 0.1 होता, ये 0.99 है। तो देखो एक तरह से 1 के पीछे क्या है, दो जीरो और 0.99। अब एक तरह से आप 100 में से 99 घटा रहे हो तो कितना बचेगा, एक बचेगा, इधर 0.0, तो ऐसे आता है, ठीक है। ये 1 माइनस 0.1 है और उसका होल स्क्वायर हो रहा है। आइडेंटिटी आप लोगों को पता ही है कि भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, या बीच में माइनस टू ए बी लिख दो। कल मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इस बी माइनस टू ए बी को चाहे आप बीच में लिखें चाहे साइड में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वन माइनस 0.01 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर
प्लस 0.01 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 0.01। अब ये क्वेश्चन इसलिए मैंने कराया ताकि आपको बस ये स्क्वायर ये पॉइंट वालों के मल्टीप्लाई भी आ जाए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, पर 0.01 का स्क्वायर कितना होता है? 0.01 का स्क्वायर होएगा 0.0001। अरे आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो जब 0.01 और इंटू में 0.01 करेंगे तो पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 चार डिजिट होनी चाहिए। चार डिजिट होने के लिए 1 1 जा तो 1 ही होता है, तो 3 0 लगेंगे और 1 लगेगा ऐसे। और शायद आपको ये बात भी पता हो कि 1 के इधर ही 0 की वैल्यू होती है, 1 के उधर 0 की वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद। और माइनस में देखो 2 1 जा 2, 2 एकम 2, और जब ये 0.01 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0.02 बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको ऐड करना है 1.0001 माइनस 0.02, इसको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, अगर हम रफली घटाते हैं इसको तो देखो 1.0001 माइनस 0. अच्छा देखो, अब यहीं पे एक बात और, कई बच्चों को डेसिमल में घटाना नहीं आता, कई बच्चे क्या करते हैं 20.0 ऐसे लगा देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है। पॉइंट कहाँ आता है? पॉइंट के नीचे। अगर आपने एक पॉइंट ये लगाया, आपको ये माइनस करना है, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाएंगे, और इसके पहले 0 है और इसके पहले 0.2 है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद अगर कवर नहीं होता है, तो आपको 2 0 ऐसे लगा देने। ठीक है, तो ये आपको छोटी मोटी चीज़ें वैसे 4थी 5वीं क्लास की आप लोगों ने पहले किया होगा, पर फिर भी कुछ बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक से कि अगर पॉइंट वालों के माइनस होती है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब 1 में से 0 घटाएंगे 1, 0 में से 0 घटाएंगे 0, अब इस 0 में से 2 घटाएंगे, 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, ये इसको कैरी देगा और ये इसको कैरी देगा। 10 में से 2 घटाएंगे 8, ये बचा 9, तो ये आ जाएगा 9 और पॉइंट, और ये तो कैरी दे चुका था तो 0, तो आंसर आया 0.9801। ठीक है, 0.9801, तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 का एक पार्ट मैंने कराया, बाकी सारे पार्ट तो आसान है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। जल्दी से नोट करेंगे, रुकना नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं लगातार आपको कराता जा रहा हूं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ये वाला वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पेज नंबर 4.4 पे है, एग्जाम्पल नंबर 4, मैं इसका एक पार्ट करा रहा हूँ, अगला आप खुद करेंगे। जैसे x, इसमें आपको दे रखा है कि अगर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू दे रखी है 6, तो कह रहा है फाइंड x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 एंड x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने किया था जब हम रैशनलाइजेशन पढ़ रहे थे, मैंने आरडी शर्मा में से जब आपको रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन कराया था, तो एक कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन भी हमने किया था, पर यहाँ पे हमें आइडेंटिटी से करना है। किससे करना है? आइडेंटिटी से। तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ जिसमें इससे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तक पहुँचना है। जैसे कि आप जब आंसर लिखेंगे तो आपके पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है 6, आपको क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपको ये बातें लिखनी है कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, हिंदी में लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दो वर्ग, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। इसको खोलोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। अरे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी,
और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। और ये चीज हमने पहले भी करी थी कि x से x कट जाता है क्योंकि एक x ऊपर है एक x उसके अपॉन में है, तो x से x कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई देखो 36, और ये प्लस का 2 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और आंसर कितना आ जाएगा 34। तो ये आपका आंसर आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया 34। अब इसी में आपका सेकेंड पार्ट दे रखा है, मैं यहां लिख देता हूँ, चलो यहां लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया 34। अब नेक्स्ट पार्ट दे रखा है कि एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 निकालो। अब पावर 4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये पावर 2 जो है ना इसका फिर से आप स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे फिर से स्क्वायर, इसको आप फिर से स्क्वायर कर देंगे तो एक्स की पावर 4 बनेगा, ठीक है। तो फिर से लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करवाई देता हूं मैं आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर यानी ए, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर यानी बी, ठीक है भाई। इसके बाद 34 का स्क्वायर करना हमें, तो 34 का स्क्वायर कितना होता है, तो 34 का स्क्वायर होता है हमारा 1156, ठीक है 1156। तो आपको यहां पे कर देना है एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस, देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस का 2 सीधा डायरेक्ट आप यहीं ले जाओ, याद एक बार लिख लो, तो बन गया x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2, बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 1154, और यही आपका आंसर है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है ये, जिसमें आपको बस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है और आपको उधर ले जाके माइनस कर देना है, बस सिंपल सा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ए यहाँ प्लस की जगह माइनस दे रखा होता तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता, और जो टू यहाँ पे माइनस हो रहा है ना ये उधर जाके प्लस हो जाता, क्योंकि यहाँ प्लस की जगह किसका साइन आता माइनस का, इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि प्लस की जगह माइनस आएगा तो माइनस वाला होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ कि भाई कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्वेश्चन क्या आएगा ये तो भाई कोई जानता नहीं है, पर किस जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका पेज नंबर 4.5 पर है, जिसमें दे रखा है कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल नंबर 5 है ये, कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और दूसरा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अच्छा अब ये क्वेश्चन जो है ये उल्टा हो गया, पहले हमें क्या होता था कि ये दिया होता था और उससे हमें यहां तक पहुंचना होता था, इस बार हमें स्क्वायर फॉर्म में दे दिया और हमें उसके नीचे मतलब स्क्वायर रूट फॉर्म में आना है उसके, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, इसके लिए जो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आप इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 27। आप क्या करेंगे ऑन एडिंग टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ क्या जोड़ रहे हैं टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। तो देखो यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स ये हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 27 प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। देखो इधर वाले तो x और 1 अपॉन x को नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे क्योंकि यहां हमारा हमारा जो है आइडेंटिटी बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी काट देंगे, यहां पे हमारी आइडेंटिटी नहीं बन रही तो इसलिए हम यहां पे काट देंगे, ये x लिखा था और इसको काट देना है, ठीक है। तो देखेंगे यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बन रहा है तो हम इसे बना देंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आइडेंटिटी से बन गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यहां हो गया 27 प्लस टू, ये तो कट गया तो 2 1 जा 2 और 27 में 2 ऐड करना है,
एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29, और ये प्लस का ये जो यहाँ जो स्क्वायर हो रहा है उधर जाकर क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 29, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में एक और बात बोला है, हमें निकालना है x माइनस वन अपॉन एक्स। जब प्लस निकालना हो तो ऐड करना है यहाँ पे, एडिंग 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। अब क्वेश्चन में बोला है कि माइनस निकालना है, तो माइनस वाले का निकालने के लिए इसका सेकेंड पार्ट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस प्लस की जगह क्या कर देना है, माइनस। अरे आइडेंटिटी में यहां प्लस की जगह क्या होता है, माइनस होता है, बस सिंपल है, माइनस कर देना है। आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऐड की जगह लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, यानी हिंदी में लिखेंगे घटाने पर, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ से घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में एक्स इंटू में वन अपॉन एक्स इजिकल टू 27 प्लस में सॉरी माइनस में 2 इंटू में एक्स इंटू में वन अपॉन एक्स। फिर से वही कि भाई इधर वाले को तो आप नहीं काटेंगे क्योंकि इधर तो आइडेंटिटी बन रही है, और उधर वाला काट देंगे, इधर आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वहां बनेगा 27 माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू बन जाएगा 25, ठीक है, और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 25, और अंडर रूट में 25 कितना होता है, 5 होता है, तो आंसर आ गया 5। इसमें देखो वैसे तो आंसर इसका प्लस माइनस 5 आएगा, क्योंकि कभी भी कोई चीज अंडर रूट से बाहर आती है ना तो वो प्लस और माइनस दोनों में होती है, तो आप चाहे तो प्लस माइनस 5 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर आपका ठीक रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस 5 लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये आपका नया टाइप था, आप देख सकते हैं, ठीक है बहुत आसान, बस आपने फर्स्ट टाइम देखा है, अगर आप एग्जाम में फर्स्ट टाइम देखते तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। नोट करो जल्दी से, फिर अगला करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 4.6 पे है, एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें लिखा है इफ 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड xy इज इक्वल टू 6, देन हमें फाइंड करना है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, बस आइडेंटिटी अगर आपको आती है तो सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। 3x प्लस 2y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 12, स्क्वायरिंग बोथ साइड देख सकते हैं। अरे आपको देखने साफ पता चल रहा है कि 9x स्क्वायर जो है 3x का होल स्क्वायर है, और 3x का स्क्वायर है, और 2y का स्क्वायर कौन है, 4y स्क्वायर, ये जो है इसका स्क्वायर है, ये जो है इसका स्क्वायर है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे इसको, होल स्क्वायर करेंगे तभी तो निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, चाहे तो आप आइडेंटिटी एक बार लिख लेंगे, आइडेंटिटी लगा लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहां बन जाएगा ये 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2a की जगह 3x है, b की जगह 2y है, इजिकल टू 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब 3x का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, 2y का स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, और एक्स वाई इजिकल टू 144। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 12। अब आप ये भी देख सकते हैं आपको एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, तो यहां पे गुना कर देंगे, इस एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे 6 इजिकल टू 144। तो 9x स्क्वायर
प्लस 4y² इज इक्वल टू आ जाएगा 144, ये प्लस का, ये आ जाएगा प्लस का 12 6 72, यहां है प्लस का 72 इज इक्वल टू 144, तो 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू आ जाएगा 144 माइनस 72। अरे 72 प्लस हो रहा है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस हो रहा है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू, जब 144 में 72 माइनस करोगे तो आंसर 72 ही आएगा, और यही आपका आंसर है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है, आपको वैल्यूज दे रखी है, बस आपको पुट करना है और आंसर निकालना है और एक आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी लगाया, उसको सॉल्व किया, हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई बना, एक्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, उसको पुट करके सॉल्व कर लिया और उधर ले जाके माइनस कर दिया, आपका आंसर निकल गया। ऐसा कुछ भी आ सकता है। देखो कई बार होता है कि हमें ना इसकी वैल्यू दे रखी होती है और इसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो इसको नोट करो आप लोग, फिर बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है बच्चों वो आपका पेज 4.6 पर ही है और एग्जाम्पल नंबर है वो आपका 9, एग्जाम्पल नंबर 9, जिसके अंदर आपका लिखा हुआ है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ये इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हमें इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, देख रहे हैं आप सब कि 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। क्या आपको ये चीज कहीं देखी हुई नहीं लग रही, ये जो पूरा हमने लिखा है कभी देखा है आप लोगों ने इसे? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो तो याद आएगा कि आपने इसको देखा है। कब देखा है? तो इससे पिछली क्लास में देखा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब हम बुक का एक क्वेश्चन कर रहे थे, शायद क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर 13 में था कि आपको प्रूव करना था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c बराबर होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और ये था a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये प्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं, और जब हमने इसको सॉल्व किया था तो यहाँ पे पूरे में वही आया था, ये आया था 2a² 2b² 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, फिर हमने इसमें से 2 कॉमन निकाला था, 2 से 2 काटा था और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया था। कल कराया है मैंने क्वेश्चन, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो वही चीज है, बस उसका अब इतना सा हिस्सा है, ये सब हटा दिया, ये सब हटा दिया, और बस सिर्फ इसी चीज को प्रूव करने के लिए बोला है। तो कैसे इसको करेंगे, देखो हमें इस पूरे को इस पूरे के बराबर प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? मैंने कल भी बताया था, जब भी हमें प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आ जाए तो हमें जो देखने में बड़ा लग रहा है उसको हम पकड़ते हैं और प्रूव करते करते छोटे वाले तक लेके जाते हैं। जैसे ये इस पूरे को मैं लूंगा और यहां तक प्रूव करके दिखाऊंगा, तो जैसे ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, तो टेक LHS, हाँ भाई, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैं इस a² को ऐसे लिख सकता हूं क्या, a² प्लस a² तोड़ दिया मैंने, सबको तोड़ना है, b² प्लस b² c² प्लस c² अरे 2a² लिखा है ना, दो बार लिखा हुआ है तो दो बार अलग अलग लिख सकता हूं, इसको भी दो बार अलग अलग लिख सकता हूं, इसको भी दो बार अलग अलग लिख सकता हूं, माइन पर इनको अलग अलग नहीं लिखना, इनको ऐसे ही रहने देना। ठीक है, अब एक बार तो उठा लो a², बीच में डालो माइनस का 2ab और इधर से उठा लो प्लस का b², ये बन गया a² माइनस 2ab प्लस b², फिर उठा लो b², फिर उठा लो माइनस का 2bc, फिर उठा लो c²
फिर उठा लो सी स्क्वायर, फिर उठा लो माइनस का 2ca और फिर उठा लो प्लस का ए स्क्वायर। तो क्या ये मुझे देखने में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है? क्या ये बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर लग रहा है? सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर लग रहा है? तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ये किस किसके बराबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था, इक्वल टू आर एच एस। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था, बस इनको अलग अलग तोड़ना था और हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि हम किनको आपस में जोड़ जोड़ के ये आइडेंटिटी पूरी बना सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट करो, करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी पेज पे है, पेज 4.6 पे, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 जिसके अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो देखो यहां पे आपको ये दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी अगर 0 है तो आपको प्रूव करना है ए इक्वल है बी इक्वल है सी के। ये क्वेश्चन में बिल्कुल अपने पिछले क्वेश्चन की तरह है, जिस जो हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, सेम टू सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग हो जाता है ये। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको ये गिवन है ना, इसको पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ए स्क्वायर 2, ये बन जाएगा 2ए स्क्वायर, ये बन जाएगा 2बी स्क्वायर, ये बन जाएगा 2c स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 2ab, ये बन जाएगा माइनस का 2bc, ये बन जाएगा माइनस का 2ca इक्वल टू 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। ठीक है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है। तो देखेंगे, देखो अब फिर से अब हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने हमने पिछला क्वेश्चन स्टार्ट किया था। अरे पिछला क्वेश्चन भी तो हमारा यही था ना, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। और फिर मैंने क्या किया था उसको, मैंने किया था कि इसको ए स्क्वायर को मैंने कैसे लिखा था, 2ए स्क्वायर को कैसे लिखा था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2बी स्क्वायर को कैसे लिखा था, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2सी स्क्वायर को कैसे लिखा था, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें फिर से आप वही बना देंगे जो मैंने हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। एक लिया ए स्क्वायर, बीच में से उठाया माइनस 2ab और इधर से उठाया बी स्क्वायर, फिर उठाया बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो गया, 0 के। अब ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन तीनों का सम किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसमें बस अब पिछले क्वेश्चन से क्या अलग है, आपको इनको ना 0 के कंपेयर करना है। हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड b माइनस सी इक्वल टू 0 एंड c माइनस ए इक्वल टू 0। आप बाकी दो को 0 लेट करके ना, मतलब ये 0 के बराबर रख सकते हो, कि जब भी ऐसे तीन हिस्से हो जाते हैं तो इसको भी 0 के बराबर कंपेयर कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी। जैसे आप कह सकते हो कि ए स्क्वायर, मतलब ये होता कब है, ये तभी हो सकता है, देखो कभी भी जब आप किन्हीं नंबर्स का सम करते हो, जैसे मैं कह रहा हूं ए प्लस बी 0, ठीक है ना, ये तभी आप 0 कर सकते हो तीन पॉजिटिव चीजों को। जब ये देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, अरे आप किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, ये नेगेटिव तो होगा नहीं। जैसे भाई अगर मैं बोलता माइनस का 2 प्लस का 2 इक्वल टू 0, यहां पे तो माइनस हो गया नहीं, पर अगर दोनों ही नंबर में कह रहा हूं पॉजिटिव है और उनका सम 0 है तो कब हो सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो एक पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर का 0 को जोड़ के 0 कैसे आ सकता है,
तो ये तभी आ सकता है जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो। तो जीरो प्लस जीरो इजिकल टू कितना आ जाएगा, जीरो। इनमें से कोई नेगेटिव नहीं है और तभी इनका सम कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब क्या है कि इसमें इन तीनों, ये तीनों जो हिस्से हैं, ये तीनों हिस्से कैसे हैं, ये तीनों हिस्सों, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा ए माइनस बी का, आप ऐसे लिख सकते हो ए माइनस बी का स्क्वायर इजिकल टू जीरो, बी माइनस सी का स्क्वायर इजिकल टू जीरो, और सी माइनस ए का स्क्वायर इजिकल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, और कभी भी पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ के जीरो तभी आता है जब वो खुद जीरो होते हैं। तो ए माइनस बी का स्क्वायर जीरो है तो ए माइनस बी भी जीरो हो जाएगा, बी माइनस सी का स्क्वायर जीरो है तो बी माइनस सी भी जीरो हो जाएगा, और सी माइनस ए का स्क्वायर जीरो है तो सी माइनस ए भी क्या हो जाएगा, जीरो। यहां एंड लिख लेना, ठीक है। तो अब देख सकते हैं ए माइनस बी जीरो है तो माइनस का बी उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ए इक्वल टू किसके आ गया, बी के। बी माइनस सी जीरो है तो बी इक्वल टू किसके आ गया, सी के। सी माइनस ए इक्वल टू जीरो तो सी किसके इक्वल आ गया, ए के। ठीक है, तो यहां से हमें कंक्लूजन निकल के ये आता है कि ए इक्वल है बी इक्वल है सी के। आप खुद ही देख सकते हैं ए बराबर बी, बी बराबर सी और सी बराबर ए, यानी तीनों ही आपस में बराबर है। और यही बात हमें प्रूव करनी थी इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, या सॉरी ये बात हमें प्रूव करनी थी ना, तो हमारी प्रूव हो गई, आर एच एस नहीं यहाँ पे, हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका पेज नंबर 4.7 पे है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है 7.83 इंटू 7.83 माइनस 1.17 इंटू 1.17 अपॉन में 6.66। इसे आपको सॉल्व करना है। तो क्या आप कुछ सोच पा रहे हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? आप खुद ही देखें, ये दो नंबर एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मतलब वही नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है 7.83। तो क्या ये आपको 7.83 का स्क्वायर नहीं दिख रहा, ये 1.17 का स्क्वायर नहीं दिख रहा, और नीचे 6.66 है, ठीक है? तो आपको एक आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा, आप देख सकते हैं ये बन जाएगा 7.83 प्लस 1.17 और 7.83 माइनस 1.17 और नीचे जाएगा 6.66। तो आप देख सकते हैं इनको ऐड करेंगे, 7 और 3 कितना होता है 10, यानी कि 10 का 0 1 कैरी, 8 और 1 कितना होता है 9 और 1 कैरी जो था 10 उसका 0 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 जो कैरी था उसको मिला के 9, तो 9.00, 9.00 में से 0.00 हम हटा देंगे इनटू में। इसको देखो सॉल्व करो, अब 7.83 में से आप माइनस करो, 7.83 में से माइनस करो 1.17, आप देखेंगे ये इसको एक कैरी देगा तो ये 13 बन जाएगा, 13 में से 7 जाता है तो 6 बचता है, ये बच जाएगा 7, 7 में से 1 गया तो 6 पॉइंट्स, ये 7 में से 1 गया तो ये भी 6, तो 6.66 आ गया, और नीचे भी क्या है 6.66, इससे ये कट जाएगा और आंसर आपका कितना आ जाएगा 9। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान था, बस देखने में हमें अजीब सा लग रहा था, पर हम इसको आसानी से कर सकते हैं अगर हमें आइडेंटिटी आती है तो। चलो अब हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आरडी शर्मा के क्वेश्चन भी आपके एक दो दिन और चलेंगे, ठीक है, एक या दो दिन और चलेंगे, उसके बाद ये चैप्टर का खत्म हो जाएगा, हम फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। तो आज के लिए फिलहाल हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट निकालना है, और ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं आज के क्लास में, स्टार्टिंग में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी 4.7 का ही है, 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 अपॉन 2a माइनस 3b इंटू 3b प्लस 1/2a 1/4a² प्लस 9b² इसको सॉल्व करना हमें, ठीक है। अच्छा यहां पे आप देखो 1/2a माइनस 3b और यहां पे 3b प्लस 1/2a लिख दिया,
इसमें आपको हल्का सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, अरे भाई मैं इसको पलट के लिख सकता हूं क्या, मतलब कि वन अपॉन ये 3b + 1/2a लिखा है, तो क्या मैं इसको ये 1/2a - 3b इसको मैं लिख सकता हूं 1/2a + 3b, इसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे a + b लिखो या b + a लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में फर्क पड़ता है, अगर आप माइनस का 1/2 इधर लिख के 3b इधर लिखते ना तब फर्क पड़ जाता, माइनस में फर्क पड़ता है पर प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। 8th क्लास में आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, वही क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि 1/2a और प्लस में 3b लिख सकते हैं पर माइनस वाले को नहीं लिख सकते, इसको मैंने इधर लिख दिया इसको मैंने इधर लिख दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/4a² + 9b² अब आपको देख सकते हैं a - b a + b, अरे आप इसके आगे नंबर क्या लिखे वो मत देखा करो, बस पूरा जो हमारा नंबर है ना वो टर्म है जो बिल्कुल सेम होना चाहिए, आप देखो टर्म सेम है और एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो हमेशा आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, जब भी ऐसा होता है तो आइडेंटिटी लगती है a - b a + b, जो कि इक्वल होता है a² - b² के, तो ये बन जाएगा 1/2a² - 3b² फिर बनेगा 1/4a² + 9b² ये बन जाएगा 1/4a² - 9b² और ये बन जाएगा 1/4a² + 9b² तो फिर से a - b a + b लग रहा है, तो फिर से आप इसको क्या करो 1/4a² - 9b² तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और a² की पावर 2 कितनी हो जाएगा a² 4 - 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, b² की पावर 2 कितना हो जाएगा b² 4, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, तो यही आपका आंसर है 1/16a² - 81b² 4, तो ये हमने कर लिया कंप्लीट, ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। देखो आरडी के मैं क्वेश्चन जितने करा रहा हूं ये एक तरह से हिंट मान लो, ठीक है, होने को तो इसमें 100+ क्वेश्चंस हैं पर 100+ क्वेश्चन हम अब क्लास के अंदर तो कर नहीं सकते, वरना वरना हमारा आगे का सारा कोर्स छूट जाएगा। मैं आपको हर क्वेश्चन में से एक एक ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपके लिए थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है, ठीक है, और एक तरह से आपको हिंट भी मिलती जा रही है लगातार इस क्वेश्चन इन क्वेश्चन के बेसिस पे, अब आप बाकी सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, तो अब आपको यही करना है कि आरडी शर्मा के बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो आप कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आरडी शर्मा के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे इसमें से, ठीक है, तो इतना रिवाइज कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।